चारपाई पर सो रही दो सगी बहनों को जहरीले सांप ने डसा, दोनों की मौत। सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दमोदरा सुकाली का पुरवा गांव में बीती शुक्रवार रात दो सगी बहनों को सोते समय चारपाई पर सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें रात में ही इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही एक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी की मौत लखनऊ ले जाते समय रास्ते में हुई। मालूम हो कि बीती शुक्रवार की रात सुकली पुरवा निवासी रामनयन वर्मा की दो पुत्रियां कविता 14 वर्ष व बबीता 12 वर्ष एक चारपाई पर सो रही थी। रात में सोते समय देर रात 11 बजे के लगभग दोनों बहनों के पैर में जहरीले सांप ने डस लिया। सांप के काटने के बाद दोनों बहनों की नींद खुल गई। सांप को चारपाई से नीचे भागते देख दोनों बच्चियां चीखने लगी। उनकी चीखने की आवाज सुन परिजन वहां पहुंचे। बच्चियों ने बताया कि उन्हें सांप ने काट लिया है। आनन फानन में परिजन रात में ही दोनों को जिला चिकित्सालय लेकर गए। अस्पताल पहुंचते पहुंचते दोनों बच्चियां बेहोश हो गईं। इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सक ने बबीता को मृत घोषित कर दिया। कविता की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में कविता की भी मौत हो गई। परिजन रात में ही शव लेकर घर लौट आए। दोनों शव गांव में पहुंचने से गांव व परिवार में कोहराम मच गया।